Pills pop, I let the weed smoke. Sometimes just talking does not make the pain go. Tu hi aag, tu hi us pe padti barish. Main wo khali haveli jiski tu akeli varish. Assalamu alaikum. To yaar aapka bhai aa gaya hai pehle part ke sath us series ki jo maine aapko kaha tha ki main shuru karunga. Theek hai, aap logon ke kafi acche comment aaye hain to main kyun na shuru karun. Batao, मैं तो करूँगा इस वीडियो में. मैं आपको बताऊँगा कि भाई आपने अपना क्रोसर कैसे बनाना है सही है और अपनी सेंसी कैसे सेट करनी है. तो ये वेलवेट में खड़े हुए हैं सही है. यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट में प्रैक्टिस में जाना है, शूटिंग टेस्ट में जाके एंटर रेंज करते ना. यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेने के बाद एंटर हो जाएगा रेंज के अंदर. ठीक है यार, हम लोग रेंज में पहुँच गए. अभी हम करेक्टर्स की बात नहीं करेंगे सही है. यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि सेंसी को अपनी कैसे बनाना है. तो यहाँ से बीट पाएंगे तो गन हमारे पे मेन्यू आ जाएगा. यहाँ से कोई गन पर कर देंगे ठीक है. प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है. आपके जो सेटिंग होती है वो एक पे होती है मेरे ख्याल से ठीक है, एक पे. तो मुझे अपनी सेंसी पता, लेकिन नए बंदे को कैसे पता होगा. अभी देखो मैं हल्का सा मूव करूँ, कहाँ जा रहा है ये देखो, मतलब कितना मुश्किल है. इसका मतलब मेरी सेंसी तेज है. तो अब आपने अपने हाथ से इसको सेट कैसे करना है, मेरी तो कॉपी नहीं करना बिल्कुल ठीक है. अपने हाथ में जो सेट हो वो करना है. तो यहाँ से ये जो बड़ा वाला बटन है इससे पूरा एक पॉइंट कम हो जाएगा. अब इससे भी मुझे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, तो मैं दो दफ़ा और कर लेता हूँ. लेकिन ये देखो ये भी अभी तेज़ है, तो हम इसको दो पॉइंट और कम करते हैं. हाँ ये थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मेरे लिए ये तेज़ ही है. तो आप इस पर शिफ्ट हो सकते हैं शुरू में सही है, जो आप ऐसा सेट लगे. ये देखो जैसे ये मुझे सेट लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी कहीं कहीं तेज़ लग रही है. तो मैं और थोड़ी कम कर करके पॉइंट्स में कम करूँगा अपना, ऐसे पॉइंट्स में कम. अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, मैं ऐसे पॉइंट्स में कम करते करते वहाँ तक पहुँच जाऊँगा जब मुझे चाहिए सर. और इनको क्या हो रहा है, अच्छा इसको छोड़ते हैं हम. अभी आपकी मिसाल के तौर पर सेंसी सेट हो गई मेरी, जो है मैं वह वापस कर लेता हूँ ठीक है. बहुत ज़्यादा लैग भी हो रहा है, पिंग पता नहीं क्यों है. ये देखो FPS देखो ऊपर. अच्छा तो भाई अब ये सेंसी तो बन गई. अब क्रोसर भी हमारे पास दो किस्म के हैं ठीक है. ये एक हेड एम्बोट है फुल, मतलब हेड पे लगता है, काफ़ी अच्छा क्रोसर है ये भैया. ओ ये इस तरह बनाना है कि आपने सबसे पहले जाना है क्रोसर में, कलर को आपने कर देना है सियान, आउटलाइन आपने ऑफ रखनी है और इसको ऊपर तक बिल्कुल ही ज़ीरो कर देना है. अगर आपने डॉट बनाना है तो सेंटर डॉट ऑन करो, उसके ऊपर सटी को ये करो और इसको थ्री कर दे. लेकिन आपको डॉट नहीं बनाना, CS टाइप का क्रोसर बनाना है ठीक है. डॉट नहीं बनाना, चार कोनों वाला क्रोसर बनाना है श्राउड की तरह का. तो भाई वो आपने इनर लाइन ऑन करनी है, आपने इनर लाइन की ओपेसिटी फुल कर देनी है ठीक है. फिर लेंथ को आपने 3 या 4 जो आपको बेस्ट लगे, मुझे अभी मेरी रेजोल्यूशन के हिसाब से 4 सेट लगती है, 4 रखना है. इनर लाइन की थिकनेस को आपने जो आपको बेस्ट लगे, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, 2 बेस्ट है, ज़्यादा थिक नहीं है. और ये जो ऑफ सेट है ये देखें आपने, इसकी बीच में जो मऊरी है इसको अपने हिसाब से सेट कर देना है. ये मेरे ख्याल से 3 सही रहेगी. ये देखें हेड पे पूरा फिक्स हो रहा है, या अगर आप 2 भी कर लें इसको फिर आप थोड़ी लेंथ भी कम कर सकते हैं सही है. उसके बाद आपने मूवमेंट एरर, फायरिंग एरर ऑफ, 0 0 0 ऑफ 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 ठीक है. ये 2 क्रोसर मैंने आपको बताया, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, डॉट वाला या फिर इनर लाइन वाला ठीक है. उसके बाद अब तो इस सेंसी पे प्रो कैसे होना, अब नया बंदा आएगा वो तो ऐसे करेगा, बड़ी मुश्किल से ऐसे 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 ला के एम करेगा ठीक. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के ठीक है. उसका हाथ नहीं सेट होगा तो उसको इसको ऐसे मैच कर करना है कि भाई टप 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 टप, उसको करना होगा कि मैं आपको अब लेके चलता हूँ आपकी स्टीम के ऊपर जो एम लैब्स करवाया था उसकी स्क्रीन. तो यार हम लोग एम लैब के स्टार्टिंग में आ गए, ये एम लैब शुरू हुआ है तो यहाँ पे लॉगिंग का इशारा आ रहा है, लेकिन हम प्ले ऑफ लाइन कर देंगे और प्ले ऑफ लाइन पर क्लिक कर देंगे ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा वेट लेता है. अगर
अगर लोडिंग के बाद यार इसी स्क्रीन पे आ जाता है अपने, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती है, लेकिन आपने सबसे पहले वैलोरेंट की सेटिंग करनी है, वो इस तरह के सेटिंग्स में जाना है, तो सिर्फ अपने हिसाब का यहाँ पे बना लेना। मैंने वहाँ पे जैसा आपको बनवाया था, जो आपको वहाँ पे सेट लग रहा है, मैंने जैसे यहाँ पे ये वाला बनाया हुआ। अपने कंट्रोल्स में जाना है, गेम प्रोफाइल यहाँ पे हुआ हुआ होता है, एम लैब सबसे ऊपर होता है, एम लैब हुआ हुआ होता है सबसे पहले, ठीक है ये। तो आपने क्या करना है, इधर वैलोरेंट ढूंढना है, पी में वैलोरेंट होगा, ये देखो ये वैलोरेंट आ गया, ठीक है, वैलोरेंट करती है। और जो सेंसी आपने वहाँ पे सिलेक्ट की थी ना, वो आपने इधर और इधर पुट कर देनी है। स्कोप इनकी आप अगर आप ये 0.3 रखते हो तो स्कोप इनकी आप 0.7 रख लो, मतलब उससे थोड़ा सा डबल से थोड़ा सा ऊपर, स्कोप इनकी थोड़ी तेज़ ही रहती है ताकि आपकी फ्लिकिंग वगैरह पे ठीक रहे, ठीक है। बाकी सेटिंग्स कोई नहीं छेड़नी आपने। अब आप कह रहे हो कि मैंने इसको मास्टर कैसे करना है, ठीक है, इसको मास्टर करने के लिए ना यहाँ पर सेंसी सेट करके आप पीछे बाहर लोबी में आ जाओ, यहाँ से ट्रेनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिखेगा ग्रिड शॉट। ये ग्रिड शॉट है इस तरह, ये जो है आपकी सेंसी को आपके हाथ पे सेट कर देगा। रोज़ गेम खेलने से पहले 5, 10, 15, 20 आधा घंटा, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा आप इसको खेलें, वो ज़रूर खेलें। जो क्लैन मेट हैं हमारे जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनके ऊपर तो भाई ये रूल होगा कि वो इसकी पहले प्रैक्टिस करें फिर गेम में जाएँ, ठीक है। जो अगर क्लैन ज्वाइन करना चाहते हो आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है वो उठा लो। अब इधर मेरी स्पीड ख़राब हो चुकी है, पहले मैं करता था अब छोड़ दिया मैंने। इसमें आपने जब तक करते रहना प्रैक्टिस, जब तक आपका स्कोर कम अज़ कम 50,000 नहीं होता, मेरे हिसाब से वो सबसे सही स्कोर है, 50,000 कम अज़ कम आपका स्कोर हो जाना चाहिए। अगर आप पसीनों की वजह से फर्स्ट टाइम आपको देखो ऐसे ऐसे मिस होंगे काफ़ी ज़्यादा शॉट्स, ऐसा 5, 6, 7, 8 दफ़ा खेलोगे तो तब जाके हाथ सीधा होगा। तो आप 20 मिनट या आधा घंटे इसको रोज़ खेलो मैच खेलने से पहले, फिर वहाँ जाओ वहाँ पे या तो प्रैक्टिस में थोड़ी सी जाके अपनी क्रोसर की प्लेसमेंट की सेटिंग कर लो, या फिर एक डेथ मैच लगा लो आप उसमें कस्टम डेथ मैच या नॉर्मल स्पाइक रश, तो फिर जाके आप कॉम्पी में जा सकते हो। देखो अभी मेरा स्कोर कितना गंदा है, जब तक ये 50,000 पे नहीं जाएगा मैं तब तक करता रहूँगा, लेकिन मैं वो आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो यार अगली वीडियो होगी, ये वीडियो तो एम वाली ख़त्म हो गई है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्रोसर कैसे बनाना है, अपनी अपना क्रोसर अपने हिसाब से और अपनी सेंसी कैसे बनाना है, और फिर उस पर मास्टर कैसे करना है। ये आपने हमेशा करना, ये नहीं कि आप भाई थोड़ा आपका एम अच्छा हो गया तो आप छोड़ दो, हमेशा आपने करते रहना है, रोज़ खेलने तो पहले थोड़ी देर करना है, और ग्रेट शॉट ही करो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी मोड भी देखो आप, जैसे ये आपको आ रहा है काफ़ी शो, इसमें काफ़ी ज़्यादा मोड है, आप बहुत ज़्यादा मोड सेलेक्ट कर सकते हो, टास्क में जाओगे बहुत ज़्यादा मोड मिलते हैं। तो यार आप ग्रेट शॉट करो, पहले ग्रेट शॉट अपना हाथ सीधा करो, ठीक है। ग्रेट शॉट के बाद आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया है अपनी सेंसी कैसे आपने पक्की करनी है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि एंड पे कन्फ्यूज ना हो गए क्या क्या बताया। मैंने बताया है कि आपने अपना क्रोसर कैसा बनाना है, क्रोसर की सेटिंग पूरी बताई है, ठीक है। अगर ग्राफिक की सेटिंग कहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि लो एंड पीसी पे कैसे चलानी है गेम, ग्राफिक की सेटिंग और एफपीएस की सेटिंग में करा दूंगा उस वीडियो में, अगर आप कहते हो तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। क्रोसर इसमें मैंने सिखा दिया आपको, इसमें मैंने बता दिया कि अपना क्रोसर, अपनी सेंसी, दोनों चीज़ें अपनी खुद की, किसी की कॉपीड नहीं, आपने कैसे बनानी है, फिर वो जो सेंसी अपनी बनाई है उस पर मास्टर कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करो कि अगली वीडियो किस पे हो, बल्कि हाँ कोर्स तो मैं बना रहा हूँ, मैं बताऊँगा कि वीडियो किस पे। अगली वीडियो है भाई आपको कौन सा एजेंट सेलेक्ट करना चाहिए, एजेंट सेलेक्ट के बाद फिर जो वीडियो देंगे उसमें ये होगा कि हर एजेंट को मास्टर कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा एजेंट बेस्ट है, वो आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए यार अल्लाह हाफिज़।